नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप सभी देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में एक बहुत ही रोचक और बहुत दिनों से प्रतीक्षित जो टॉपिक है उस पर आज चर्चा करूंगा मैं। आज की वीडियो का टॉपिक है रीतिकाल, और रीतिकाल का यह फर्स्ट पार्ट मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रीतिकाल का नामकरण क्या क्या रखा गया या किन किन नामों के आधार पर इसको पुकारा गया और इसकी काल सीमा क्या है। तो देखिए, इसकी काल सीमा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसी को सर्वमान्य मान करके मैंने यहां पर लिखा है। इसकी जो काल सीमा थी वो संवत लिखा गया है, सन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संवत 1700 से लेकर के 1900 की जो समय सीमा है वह रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताई गई है। आगे हम चर्चा करेंगे कि रीतिकाल का नामकरण। देखिए, रीतिकाल विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का भिन्न भिन्न नाम रखा गया। मैं सारे नामों के बारे में यहां पर चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ प्रमुख नाम हैं जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो नामकरण मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, इसमें रीतिकाल को, क्योंकि तो रीतिकाल में देखिए भक्ति से, भगवान की भक्ति से या भक्ति में लिखी गई कविताओं से जब कवियों का मोह भंग होने लगा तो धीरे धीरे कालांतर में चल करके उसमें परिवर्तन आने लगे, और कवियों की कविताओं में अलंकारिकता झलकने लगी, और अलंकार की प्रधानता या अलंकृत करने की कविता की जो परिपाटी थी कवियों की, उसको देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसको अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल कहने में मिश्र बंधु ये जो है ये प्रमुख थे, इन्होंने इसको अलंकृत काल कहा है। और अलंकृत काल कहने की का कारण क्या था कि यहां पर कवियों द्वारा अलंकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया था, अलंकार की प्रधानता थी, अलंकृत करने की जो परिपाटी थी, कविता को अलंकृत करने की जो परिपाटी थी, इस गुण को देखते हुए मिश्रबंधु ने इस पूरे काल को, जब कविता में अलंकारिकता की प्रधानता थी, इसको अलंकृत काल कह दिया। अब अलंकृत काल कहने पर भी कुछ आपत्तियां बताई गई कि भाई इस काल की कविताओं में सिर्फ अलंकार की झलक नहीं पाई जाती, यह तो काव्य का एक गुण मात्र है, काव्य के अन्य अंग भी हैं, उसमें रस है, उसमें हम कह सकते हैं छंद भी पाए जाते हैं, तो तमाम सारे अन्य गुण भी हैं काव्य के। काव्य का अलंकार तो एकमात्र अंग है, तो अगर हम इस काल की कविता को सिर्फ अलंकारिक कविता या अलंकृत काल कहेंगे तो इससे काव्य का सिर्फ एक अंग का बोध हो रहा है, न कि पूरे अंग का। तो कहीं ना कहीं हम बाकी अंगों की अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, यह आपत्ति जताई गई इनके, मिश्र बंधु के विचार पर। अब दूसरे थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको अलंकृत काल न कह करके कहा है कि यह श्रृंगार काल है, क्योंकि इस काल के कवियों में श्रृंगार काल या श्रृंगारी कविताओं को लिखने की उत्कंठा ज्यादा थी, वे लोग ज्यादा से ज्यादा श्रृंगारी कविताएं लिखे। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस काल के इस गुण को देखते हुए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको श्रृंगार काल कह दिया। इस पर भी आपत्तियां आई, लेकिन इन्होंने क्या विशेषता देखी, इन्होंने देखा कि आद्योपरांत मतलब शुरू से लेकर के अंत तक इस काल के ज्यादातर कवि श्रृंगारिक रचनाएं कर रही हैं, श्रृंगारिक रचनाएं ज्यादा मिल रही हैं इस काल में। इस गुण को देखते हुए इस हम कह सकते हैं विशेषता को, ठीक है, इस विशेषता को देखते हुए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल की कविता को श्रृंगारिक कविता कहा और इस काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा उन्होंने। तो दो नाम हो गया, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी विचार था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से मिलता जुलता। उन्होंने हालांकि खुले तौर पर इसे श्रृंगार काल नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर हाँ कोई श्रृंगार काल कहना चाहता है इस काल को तो वो कह सकता है, लेकिन खुले तौर पर इन्होंने खुद नहीं कहा है, बट इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम कि अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मान्यता जरूर प्रदान की। इनका विचार क्या था वो देख लेते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इसलिए इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो पहले जो थे मिश्र बंधु, इन्होंने अलंकार की प्रधानता को देखते हुए अलंकृत काल कह दिया, अन्य कालों अन्य काव्यांगों की उपेक्षा हुई।
पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी अलंकार को हटा करके श्रृंगार काल बोल दिए, वो रस के हिसाब से चलने लगे। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने अलंकार इत्यादि अन्य काव्यांगों की जो है उपेक्षा की, और इन्होंने जो है रसादि जो अन्य काव्यांग हैं उनकी उपेक्षा की। ध्वनि है, रस है, ठीक है, ये सब जो अन्य हैं, रीति है, इन सब काव्यांगों की उपेक्षा की है। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इसकी आलोचना की श्रृंगार काल कहने पर। पंडित विश्वनाथ प्रसाद के मत की आलोचना किसने की? डॉक्टर महेंद्र कुमार। उनका कहना था, इनकी 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 इनका कहना यह था कि भाई देखिए, ऐसा था कि इस काल के जो कवि थे, इस काल के जो रचनाकार थे, उनकी मजबूरी थी श्रृंगारी कविताएं लिखना। वो जानबूझ करके श्रृंगारी कविताएं नहीं लिखते थे, या उनका काव्य श्रृंगार प्रधान नहीं होता था। उसके पीछे का जो असली कारण है, उसके पीछे का असली कारण यह है कि वो ज्यादातर कवि जो रहते थे वो आश्रयदाताओं के शरण में रहते थे, मतलब किसी न किसी राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे। फलस्वरूप राजा को खुश करना उनकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि राजा को खुश नहीं करते तो राजा खुश होकर के उनके ऊपर धन न्यौछावर नहीं करता। उनको जो आय प्राप्त हो रही थी, उनको उनकी जो आमदनी का जरिया था कवियों के, वो राजाओं की खुशहाली ही थी। अगर राजा प्रसन्न नहीं होगा उनकी कविताओं पर तो राजा उनके ऊपर धन न्यौछावर नहीं करेगा। तो इस कारण से, इसको प्रमुख कारण मान करके ही आश्रयदाता कवियों ने राजाओं को अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिक कविताओं की रचनाएं की, और इस कारण से इस काल में श्रृंगारिकता का भी, श्रृंगारिक कविताओं की भी प्रधानता हुई। शायद यही एक कारण था जिसको देख करके पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगारिक काल कह दिया, या श्रृंगार काल इसको कह दिया। लेकिन महेंद्र कुमार कहते हैं कि भाई इसको हम श्रृंगारिक काल नहीं कह सकते, क्योंकि यह कवियों की सामान्य विलक्षण या सामान्य हम कह सकते हैं विशेषता नहीं थी, क्योंकि कवियों की ये मजबूरी थी। तो श्रृंगारी कविताओं के पीछे का असली सत्य जानकर के इस काल का नाम रखा जाना चाहिए। तो इनकी आलोचना है कि भाई आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना कवियों की व्यवस्था थी, इस कारण से उन्होंने श्रृंगारी कविताएं लिखा। श्रृंगारी कविताएं इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं कही जा सकती। आगे कलाकाल, अब डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने इन दोनों लोगों से हट करके अपना विचार दिया। उन्होंने कहा कि इस काल की जो रचनाएं हैं उसमें कला की प्रधानता थी, इसलिए इसको कलाकाल कहा जाना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उनके मत का समर्थन किया, वो कहे हाँ भाई जो आप कहते हो वो सही है, इस काल की कविताओं को इस काल में कला की प्रधानता देखने को मिलती है, ज्यादातर कला पक्ष पर कवियों का ध्यान ज्यादा गया, इसलिए इसको कलाकाल कहेंगे तो कोई बुरी चीज नहीं होगी। आलोचना क्या आई कि भाई कलाकाल अगर हम कह देते हैं तो कलाकाल और अलंकृत काल कहने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बहुत बारीक अंतर नजर आता है, क्योंकि अलंकृत करना मतलब सजाना और कला से भर देना वो भी एक तरह का सजाना है। तो अगर हम उसको कलाकाल कहते हैं या अलंकृत काल कहते हैं कोई खास अंतर नहीं है। तो आपने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया कि इसको अगर कलाकाल कह दिया तो ठीक है। तो इस तरह की आलोचना आई। अब आए गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा कि भाई इस काल में ना कवियों का ध्यान अलंकृत और श्रृंगारिक और कला पक्ष के अलावा एक चीज पर और था, और इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त जी ने बड़ी यूनिक चीज एक निकाली, अनोखी चीज निकाली। इनका कहना था कि भाई देखिए, ऐसा था इस काल के जो काव्यों पर अगर हम नजर डालें तो कई शास्त्रों से इसके अंदर विषय वस्तु लिए गए हैं, और इस नाते से अब इस काल में जो कविताएं लिखी गई वो कई शास्त्रों से लेकर के लिखी गई, कई शास्त्रों को बेस मान करके उनके विषय को, उनके कंटेंट को लेकर के इस काल की कविताएं लिखी गई। जैसे काव्य शास्त्र से कविताएं लिखी गई, काव्य शास्त्र को ध्यान में रख करके लिखा गया, काम शास्त्र के विषय वस्तु भी लिए गए, नीति शास्त्र की, नीति की भी बातें इस काल की का विषय वस्तु रही कविताओं का, कवियों ने नीति की बातें भी लिखी हैं, दर्शन शास्त्र से भी विषय लिए गए हैं, दर्शन की भी बातें देखने को मिलती हैं, ज्योतिष चिकित्सा शास्त्र वैदिक शास्त्र आदि तमाम शास्त्रों से विषय वस्तु लेकर के कवियों ने काव्य लिखा है। और इस नाते से
इस काल को हम शास्त्रीय मुक्तक काव्य कहें तो कोई बुरी चीज नहीं होगी। यह विचार था गणपति चंद्रगुप्त जी का, यह मेरा नहीं, गणपति चंद्रगुप्त जी का विचार था। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या क्या देख करके कहा, कुछ और बातें भी हैं। रीति और काव्य रीति के तत्वों का प्रतिपादन कम हुआ है इस काल में, रीति और काव्य रीति के तत्वों का प्रतिपादन कम हुआ, ये गणपति चंद्रगुप्त जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय तत्वों का उपयोग किया गया, जो मैंने आपको अभी भी बताया। इसके अलावा इस काल में मुक्तक काव्य लिखा गया, प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए, ये गणपति चंद्रगुप्त जी का विचार था। कुछ आपत्तियां भी आई। आपत्तियां क्या आई कि भाई शास्त्र से इतर, यानी शास्त्र से हटकर के भी काव्यों काव्य जो इतर काव्य हैं शास्त्र से हट करके, यानी नीति शास्त्र, काम शास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष, इन सब से हट करके भी कविताएं लिखी गई, काव्य लिखे गए, अगर हम इनको शास्त्रीय कह देते हैं तो सारे शास्त्रों के अलावा जो अन्य विषय वस्तु लेकर के कविताएं लिखी गई उनकी अवहेलना हो जाएगी। यह भी बहुत बड़ी बात थी। दूसरी चीज थी शास्त्रीय काव्य कह देने से शास्त्रीय काव्य का कोई गुण इस काल की कविता की कोई प्रवृत्ति नहीं नजर आती है। तो देखिए, नाम ज्यादातर जो रखे जाते हैं उस काल की कोई ना कोई विशेषता के ऊपर रखे जाते हैं। शास्त्रीय काव्य यानी शास्त्रीयता काव्य का गुण इस काव्य के की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, तो इस काव्य में ऐसी, इस काल में कोई ऐसी प्रवृत्ति कविताओं में देखने को नहीं मिलती जहां पर, या कोई ऐसी प्रवृत्ति थी ही नहीं जिसमें शास्त्रीयता का गुण नजर आता हो या शास्त्रीयता के ऊपर कोई बात कही गई हो। तो यह एक प्रवृत्ति न होने के कारण भी इसकी आलोचना की गई कि यह कोई प्रवृत्ति नहीं है उस काल की। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि सर्वमान्य एक बात कहे, उन्होंने कहा कि भाई न तो इसको हम अलंकृत काल कहेंगे, हाँ श्रृंगार काल के पक्ष में वो थोड़ी नजर आते हैं, लेकिन कलाकार शास्त्रीय मुक्तक काव्य ये सब बातों को छोड़ करके इन्होंने कहा कि इस काल में एक प्रवृत्ति जो सामान्य तौर पर देखने को मिलती है वह है रीति। रीति का गुण मिलता है, यानी कहने का उनका तात्पर्य क्या था कि लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। अब ये लक्षण शब्द कहां से आ गया और लक्षण ग्रंथ कह देने का क्या तात्पर्य है? देखिए, लक्षण ग्रंथ का मतलब ये है कि इस काल के जात बहुत सारे ऐसे मुख्य कवियों की बात कर रहा हूं जो ऐसे रहे हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यों के लक्षणों को, उनको, उनके गुणों को, उनके काव्यांगों को अपनी कविता का विषय बनाया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस काल में ज्यादातर मुख्य ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों के यानी संस्कृत काव्यों के लक्षणों को, संस्कृत काव्य लक्षणों को अपनी कविता का अंग बनाया। और उदाहरण, हां लक्षण उन्होंने वहां से लिए हैं, उदाहरण इन्होंने अपने तौर पर दिया है, या तो उन्होंने संस्कृत काव्यों को अनुवाद करके, हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया है उदाहरण के तौर पर, या तो उन्होंने अपना मौलिक उदाहरण उसमें डालने की कोशिश की, अपना खुद का उदाहरण डाला है। तो लक्षण ग्रंथों की अधिकता थी, कहने का मतलब है लिख तो रहे थे वो हिंदी काव्य लेकिन उसमें संस्कृत काव्य के लक्षण दिखाई देते थे। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत यानी ध्वनि की बातें दिखती थी, अलंकार की बातें दिखती थी, वो छंद वाली बातें दिखती थी। तो जो संस्कृत काव्यों के हिसाब से होता, और संस्कृत काव्य में क्या होता था, सारे काव्य गुणों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, वह था अलंकार। अलंकार एक ऐसा शब्द था, अलंकारिकता, वहां संस्कृत काव्यों में अलंकारिकता का प्राचीन विद्वान जो संस्कृत के थे उन लोगों के हिसाब से, उनके काव्य शास्त्रों के अनुसार जो अलंकार था वो सभी काव्य गुणों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, अलंकारिकता, उसके अंदर सारे गुण आ जाते थे, काव्य गुण आ जाते थे। जबकि यहां अलंकारिकता का अर्थ जो था वो भिन्न था। ठीक है, तो लक्षण ग्रंथों की अधिकता थी। ठीक है, एक रीति, रीति का मतलब एक परिपाटी नजर आती है, एक शैली विशेष नजर आती है, इसको देखते हुए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको रीति काल कहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो विद्वान थे इस काल के उन्होंने रीतिबद्ध काव्य लिखा है, इसके बाद रीति सिद्ध वाले आए और फिर रीत मुक्त वाले आए। तो रीति को ही आधार मान करके तीन खंड किए गए, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो कुल मिलाकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई बात को ही
बेस लाइन माना गया, आधार आधार रेखा माना गया, और उसी आधार पर इस काव्य के काव्य में डिवीजन किए गए, विभाग किए गए। तो कुल मान करके अगर हम देखें, कुल जमा अगर हम देखें, मतलब मोटी मोटा अगर हम कहें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात को प्राथमिकता दी गई और यह सर्वमान्य बात कही गई कि इस काल को अगर हम रीति काल कहते हैं तो यह ज्यादा उचित है अपेक्षाकृत अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल या शास्त्रीय मुक्त काव्य कहने के। ठीक है, और एक परंपरा की शुरुआत इस काल में जो हम कह सकते हैं संस्कृत लक्षण ग्रंथों की जो शुरुआत थी वो केशव दास ने कर दी थी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं थी, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। रसिक प्रिया रस पर आधारित थी, कवि प्रिया जो थी वो अलंकार पर आधारित रचना थी। ये दोनों रचनाओं में जो काव्य के लक्षण मिलते हैं वो संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रीति, एक परिपाटी चली, ठीक है, कविताओं को लिखने का। और वह यहां रीति जो है यह एक विशेष अर्थ में प्रयोग की गई। रीति शब्द जो है एक विशेष अर्थ में प्रयोग की गई, कविता लिखने का एक विशेष तरीका अपनाया गया। इसलिए इस विशेष तरीके को यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहने का तात्पर्य वो संस्कृत ग्रंथों की ही बात नहीं है, उनके कहने का मतलब है कि कालांतर में चल करके इस काल के कवियों में एक रीति, एक परिपाटी नजर आने लगी और कुल मिलाकर के ये जो रीति थी वो संस्कृत ग्रंथों के से थोड़ी मिलती जुलती तो जरूर थी, लेकिन आगे चल करके इसमें थोड़ी सी भिन्नता भी नजर आने लगी। ठीक है, तो मित्रों आज ये हमने आपको आपके सामने चर्चा किया कि रीतिकाल के क्या क्या नामकरण किए गए और रीतिकाल की समय सीमा क्या थी। रीतिकाल से संबंधित अगला वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, जहां मैं रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करूंगा, प्रमुख कवियों पर चर्चा करूंगा, रीतिकाल के प्रमुख विभाग क्या किए गए उन पर चर्चा करूंगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।